राजस्थान की सियासी जंग में बीते कुछ दिनों से एक शब्द की बड़ी ही चर्चा चल रही थी। शब्द है निकम्मा। मुख्यमंत्री ने इसका उपयोग अपने सियासी विरोधियों का जवाब देने के लिए किया तो प्रदेश की सियासत गर्मा गई। हाल ही में सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को निकम्मा तक कह दिया था। और अब कांग्रेस के सम्मेलन में सियासत की सुर्खियां बन रहे निकम्मा शब्द की परिभाषा भी सीएम ने बताई। उन्होंने कहा कि निकम्मा का मतलब क्या होता है। उन्होंने आगे कहा कि कई बार ये बातें प्रेम से बोल देता हूँ, अपने बच्चों को भी बोल देता हूँ। सीएम ने कहा कि वे तो बच्चा समझकर निकम्मा बोल देते हैं, पर लोग बुरा मान जाते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पड़ोस में जब बच्चे कोई झगड़ा करते हैं तो एक पड़ोसी दूसरे के घर जाता है और बच्चे की शिकायत करता है। उस वक्त उस बच्चे के पिता कहते हैं कि वो नाकारा है, निकम्मा है, अभी बुलाकर डांटता हूँ, यही तो कहते हैं। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को भी बोल देता हूँ, ये निकम्मा है, नकारा है। इसका मतलब यही होता है कि अभी बच्चा है और इसने गलती कर दी होगी, इसे अभी डांटता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कई बार प्रेम से निकम्मा कहता हूँ तो लोग बुरा मान जाते हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही निकम्मे वाले बयान पर सचिन पायलट ने कहा था कि अशोक गहलोत उनके लिए पिता तुल्य हैं और वे उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। और अब सीएम गहलोत ने कहा कि बच्चे को भी निकम्मा बोल देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। भाई साहब, और को पूछने दीजिए प्लीज। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।